नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजपाल सिंह और स्वागत है आपका मेरी चैनल द अमेजिंग में। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फरवरी के अंदर 19 फरवरी को जो नया अपडेट फोटोशॉप का लॉन्च हुआ है उसके बारे में बताने जा रहा हूं मैं आज आपको। तो दोस्तों, उसमें क्या नया अपडेट हुआ है फोटोशॉप 2020 में, उसमें से एक टॉपिक जो है वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को गंवाते हुए बताता हूं कि क्या अपडेट हुआ है। दोस्तों, फोटोशॉप मैंने ओपन कर रखा है, इसमें एक इमेज भी मैंने ओपन कर रखी है। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि किस ऑप्शन के अंदर जो है नया अपडेट हुआ है, जो भी हुआ है वो है दोस्तों एडिट के अंदर कंटेंट अवेयर फिल। इसके अंदर दोस्तों जो है नई चीज एक जोड़ दी गई है, अप्लाई बटन जो है वो जोड़ दिया गया है। दोस्तों, पहले क्या होता था दोस्तों कि हम एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते थे यहाँ पे और कंटेंट अवेयर फिल्म में जाने के बाद में उसे ओके करने के बाद में ही हम दूसरे जो ऑब्जेक्ट को या सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके फिर से हमें दोबारा करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आप एक बार अप्लाई कीजिए और फिर दूसरा वहीं की वहीं सिलेक्ट कर लिए ऑब्जेक्ट और उसे आप रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बताता हूँ कैसे। हमने सिलेक्ट कर रखा है एक ऑब्जेक्ट, यहाँ से हम गए एडिट के अंदर, यहाँ से कंटेंट अवेयर फिल्म में गए। तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरी मेन इमेज है, यहाँ प्रीव्यू आ रहा है दोस्तों। ये देखिए प्रीव्यू हो गया, ये देखिए ये हट गया। अब जैसे दोस्तों मैंने यहाँ अप्लाई पे क्लिक किया, ये देखिए दोस्तों, ये जो है ये नई चीज आई है दोस्तों। मैंने जैसे ही यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक किया दोस्तों, यहाँ से ये अप्लाई हो जाएगा, हट जाएगा। अभी प्रोसेसिंग चल रही है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये प्रोसेसिंग जो थी खत्म हो गई है और यहाँ जो ओरिजिनल इमेज जो मेरी खुली हुई है इसमें ये चीज हट गई है। तो दोस्तों, अगर हम मुझे दूसरी जगह से भी उसे हटाना है तो मैं यहाँ से लासो टूल सेलेक्ट करूँगा दोस्तों और यहाँ से सेलेक्ट करके इसको हटा सकता हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, अब वहाँ से वो चीज़ हट गई है और ये अब इस पर अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, दूसरी जगह पे भी अब कंटेंट अवेयर फिल जो ऑप्शन है वो अप्लाई हो चुका है दूसरी जगह पे। ये बहुत ही अच्छा कर दिया एडोब ने, बहुत ही बढ़िया कर दिया है। हमें बार बार कोई चीज़ को हटाना है तो उसे हटाना नहीं पड़ रहा है दोस्तों, और एक ही बार में हमें अप्लाई करते ही, जैसे मैं एक बार और बता देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने दूसरी में भी अप्लाई बटन पे क्लिक कर दिया है, ये देखिए दूसरे में भी वो चीज़ हट गई है। अब ये तीसरी चीज़ है दोस्तों, इसको भी हम यहाँ से हटा सकते हैं दोस्तों। देखिए, मैंने यहाँ से लासो टूल ले रखा है, यहाँ से सेलेक्ट किया इसको और ये अप्लाई किया और ये हट गया दोस्तों। तो दोस्तों, इस तरीके से अब अप्लाई का बटन जुड़ने से हमें बार बार जो है कंटेंट अवेयर फिल को ओपन नहीं करना पड़ेगा, हम यहीं से अप्लाई करके और यहीं पे ही दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके जो है अप्लाई कर सकते हैं फिर से, और फिर जब हमारा पूरा हो जाएगा दोस्तों उसके बाद में हम ओके कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, सिलेक्शन हमने यहाँ बनाया था और ये यहाँ आकर के रुक गया है और लेयर्स जो हैं वो बन गई हैं। तो इस तरीके से दोस्तों, अब जो कंटेंट अवेयर फिल है उसमें आपको बार बार एडिट में जाकर के कंटेंट अवेयर फिल खोलने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार में आप कंटेंट अवेयर फिल को खुले हुए ही अप्लाई बटन पर क्लिक करके जो है दूसरा सिलेक्शन बना सकते हैं वहीं से ही लासो टूल से। कंटेंट अवेयर फिल के अंदर ही लासो टूल है जो वो आ जाता है दोस्तों, वहां से आप बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये था एक अपडेट नया 2020 का जो कि 2020 में 19 फरवरी को जो है लॉन्च हुआ है। तो दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और जो भाई सीख रहे हैं उनको भी मदद मिले। और दोस्तों, जिन भाइयों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं दोस्तों, ताकि आपके पास मेरे नए आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पहुँचते रहें और आप देखते रहें। और दोस्तों, लाइट रूम के वीडियोज़ के भी ट्यूटोरियल स्टार्ट कर दिए हैं, उनको भी आप मेरे अब चैनल पर वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।